नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक ईजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा चल रहा था फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स पार्ट 23 में 23वें अध्याय में। और हम सीख रहे थे वहाँ टूल्स के बारे में, और टूल्स हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके थे। और अब कुछ जो बेसिक सिलेक्शन मेन्यू में जो चल रहे हैं, सिलेक्शन मेन्यू के जो भी ऑप्शन चल रहे हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। बेसिक सीरीज जो हमारी चल रही है, तो चलिए मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं मास्क ऑप्शन के बारे में बात करूँगा। जो मास्क ऑप्शन था उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो एक्चुअली मास्क ऑप्शन क्या होता है, तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि कोई लेयर हमने ले ली है तो उसके ऊपर मास्क टूल्स का यदि हमें यूज करना है तो उस मास्क टूल काम क्या करेगा कि आपका जो पिक्चर का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करने का काम करता है, उसको हटाने का काम करता है। एक्चुअली आपको हो गया कि ये काम तो इरेजर टूल भी कर रहा था, उसको रिमूव करने का काम। तो इरेजर टूल और मास्क टूल जो है उसमें दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा यदि आप जो इस टूल से करेंगे, सॉरी मास्क टूल का यदि आप यूज लेंगे। तो चलिए प्रॉपर तरीके समझने के लिए चलते हैं फोटोशॉप में और समझते हैं इसको अच्छी तरह से। तो देखिए मैं फोटोशॉप में हूँ अभी, और कंट्रोल एन प्रेस करके हम कोई न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। जिसे हमने कंट्रोल एन, देखिए यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल एन प्रेस कर दीजिए, इस तरह से न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, जो कि बेसिक हुआ था। और इसमें एल्ट बैक स्पेस की सहायता से कोई कलर फील कर लेते हैं, एल्ट प्लस बैक स्पेस कर लिया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर न्यू लेयर आ गई, और जो हमारी ये इमेज है इस पर मैं आपको इफेक्ट डालकर बताने वाला हूँ। तो क्या करना होगा, इसको ड्रैग करके यहाँ से, इसको ड्रैग करके यहाँ पर जा करके यहाँ पर ला करके इसे क्या करना है, पेस्ट करना है। इस तरह से देखिए पेस्ट हो चुकी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको थोड़ा फिट करना है, कंट्रोल टी करके आप इसे थोड़ा सा साइज रिसाइज दे दीजिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आप इसे साइज दे दीजिए ताकि ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। ये देखिए थोड़ा सा चेंज हो गई। इस तरह से आप इसकी साइज दे दीजिए, और थोड़ा सा हम इसको बैकग्राउंड से पीछे रखते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। और इसे थोड़ा सा जो है और कर दीजिए, और इसे थोड़ा नीचे ले लीजिए, थोड़ा ऊपर ले लीजिए। अब सिंपली इस पर मास्क क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप नीचे लेयर बार में जाकर जैसे देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जो कि आपके सामने आ रहा है यहाँ पर, जो कि मेरे जो पीसी है उसमें जो है शो नहीं हो रहा है। जैसे देखिए आप इस जो लेयर बार है, एक बार उसके बारे में थोड़ा समझ लेयर के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया है, पहले वो समझिए उसके बाद में आप इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर ये शो क्यों नहीं कर रहा है, सबसे पहले इसके लिए क्या होगा, जो सिलेक्शन आपकी इमेज पर उसे एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करोगे देखिए यहाँ पर सिलेक्शन एरिया आ चुका है, और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो देखिए, तो इस पर क्लिक करते ही आपको लिखा हुआ आएगा एड लेयर मास्क, मतलब लेयर में मास्क डालने का काम करेगा। देखिए क्लिक कर दीजिए। अब मास्क टूल एक्चुअली क्या होता है, इसका अर्थ समझिए। मास्क का अर्थ जनरली होता है कि मुखौटा, ऊपर जो है मुकुट होना, या फिर कोई मास्क होना। आपने सुना भी होगा कि वह मास्क पहनकर आया था, मुखौटा पहनकर आया था, इसलिए पहचान नहीं पाया। तो ये क्या कर रहा है, इस इमेज के ऊपर मास्क डाल दे रहा है। तो मास्क किस तरह से इमेज पर कार्य करता है वो समझिए एक बार के लिए, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये मास्क डाल रहा है, मतलब ये है कि ये जो आपकी इमेज है उसको ऊपर से जो दिख रहा है उसके ऊपर व्हाइट मास्क डाल रहा है। यदि आप व्हाइट मास्क का यूज करेंगे तो इमेज दिखाई देगी, लेकिन आप इस पर ब्लैक का यूज कर देते हैं तो ये इमेज दिखाई देना बंद हो जाएगी, ये भी इमेज जो है दिखाई नहीं देगी। मान लीजिए यहाँ पर जो फोर बैकग्राउंड कलर है उसमें जो है ब्लैक कलर में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने कहा था व्हाइट और ब्लैक पर होगी। देखिए जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो कोई ब्रश टूल ले लीजिए इसकी सहायता से, और यहाँ पर देखिए मैं जैसे ब्लैक करने की कोशिश करता हूँ तो फोरग्राउंड में कलर क्या है, ब्लैक है, लेकिन वो पिंक रहा है। एक्चुअली ये कलर फील नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये फील ये जो है मास्क हट रहा है, क्योंकि ये ब्लैक वाला आ गया। क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पर लेयर बार में देखिए मास्क ब्लैक होता जा रहा है, यानी ब्लैक मास्क आ गया। यदि व्हाइट मास्क हम रखते हैं तो हमें इमेज दिखाई देगी, यदि ब्लैक रखते हैं तो हमें इमेज नहीं दिखाई देगी। इस तरह से आप मास्क को चेंज कर दे सकते हैं, और इसी तरह से आपके बैकग्राउंड को इरेज करता हुआ जाएगा। एक्चुअली इरेज टूल का हम यूज करते हैं तब बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो क्या होता है कि हमारा
जो मान लीजिए कोई बॉडी का जो हिस्सा है वो ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा कट हो गया, तो क्या करोगे, पूरी इमेज को फिर से कंट्रोल एल्ट जे कंट्रोल एल्ट जे कंट्रोल एल्ट जे करके वापस आप उसी प्रोसेस पर जाओगे, उसके बाद में आप इसे सिलेक्ट कर पाओगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप चाहे जैसे कर सकते हैं। देखिए इसकी थोड़ी सी जो है कटिंग करके मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा बारीकी से नहीं जाएंगे फिलहाल के लिए हम, क्योंकि ये बेसिक सीरीज है और इसमें हम थोड़ा बहुत ही समझेंगे। और जो है छोटा कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक जो आपका छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, उसकी सहायता से आप इसे थोड़ा इसकी साइज रिसाइज देख लीजिए, जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया इसके बारे में। देखिए इस तरह से आप इसका जो तो बैकग्राउंड बारीकी से रिमूव कर दीजिए, ताकि बिल्कुल भी जो है आपकी इमेज है वो काफ़ी अच्छी लगने लग जाए। इस तरह से देखिए, ये देखिए जब आप बारीकी से करना चाहें तो इसका काम जो है बारीकी से भी कर सकते हैं। वैसे तो बैकग्राउंड अगर यदि आप कटिंग करना कटिंग पर जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप पेन टूल का यूज़ करें या फिर लासो टूल का यूज़ करें। लासो टूल का कम ही यूज़ करें, ज़्यादातर आप पेन टूल का ही यूज़ करें। इस तरह से देखिए आप इसे रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल ही। देखिए तो एक्चुअली बैकग्राउंड वैसे तो रिमूव नहीं हो रहा है, ये सिर्फ ब्लैक मास्क इसके ऊपर डाल दे रहा है। ये देखिए इस तरह से डाल दे रहा है इसके ऊपर। और इसका जो दूसरा यूज है, इस तरह से आप बैकग्राउंड तो रिमूव कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत हटा ही सकते हैं, उसके बाद में जो इसका दूसरा यूज है वो बता दें। मान लीजिए आपने कोई इसके साइड में सर्किल में कोई इमेज लगा रही, तो क्या करना है होगा आपको, यहाँ पर कोई सर्किल मान लीजिए इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आपको इमेज और ले ओपन कर लीजिए, मान लीजिए ये वाली जो इमेज है मुझे यहाँ पर लग के इसको ऐड करना है, तो क्या करना होगा आपको, मान लीजिए हमने यहाँ पर मास्क सिलेक्ट किया था, सॉरी फिर से सिलेक्ट इस तरह से सिलेक्ट किया था, और उसके बाद में क्या करना है आपको, सिंपली इस इमेज पर आकर यहाँ से ऑप्शन पर क्लिक कर, सॉरी ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना, आपको कंट्रोल सी करके कंट्रोल ए कर लीजिए और कंट्रोल सी करके आप इसे कॉपी कर लीजिए। जैसे आप कॉपी करेंगे और जैसे आप कॉपी करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो पूरी इमेज पेस्ट हो जाएगी, आपकी जो राउंड सर्किल है वैसे नहीं आएगी। वैसे कंट्रोल एल्ट जेड कर दीजिए, फिर से जाइए और इसे फिर से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी करिए और इसे हटा दीजिए एक बार के लिए, इसे कंट्रोल जेड कर दीजिए और इसे हटा दीजिए। और यहाँ से देखिए, सॉरी यहाँ से आपको एडिट ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से देखिए आपके सामने कॉपी कट कॉपी पेस्ट और पेस्ट स्पेशल पर आएगा, तो आपको क्या करना है, पेस्ट इन पैलेस पर क्लिक कर, सॉरी पेस्ट इन टू पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से देखिए इसमें इमेज आ चुकी है, और अब इसको आप साइज मूव टूल की साइज साइज रिसाइज भी कर सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट टूल की सहायता से इस तरह से देखिए कंट्रोल टी कर दीजिए, और ये देखिए इस तरह से आप इसको साइज रिसाइज भी देख सकते हैं। इस तरह से देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। और देखिए मान लीजिए मैं इसको उठा देता हूँ, थोड़ा बड़े सर्किल पर लेकर चलते हैं मान लीजिए, और इसको फ्रेमिंग वगैरह भी दे सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में बताया था कि फ्रेम वगैरह आप कैसे दें इमेज पर। और यहाँ से मान लीजिए कोई सर्किल वाला जो है हम बड़ा ले लेते हैं, ये देखिए ये वाला हम कोई बड़ा सर्किल ले लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर हम लाने की कोशिश करते हैं कोई भी इमेज, और यहाँ से कोई दूसरी इमेज ओपन कर लेते हैं मान लीजिए, तो मेरे पास ये मान लीजिए यही इमेज वापस ले लेते हैं, थोड़ी जो क्लियर दिखाई दे रही है वो वाली इमेज वापस ले लेते हैं। और यहाँ से आपको करना है क्या करना है, कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी करना है, और आपको एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद में आपको इस पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट की है उसको याद कर लीजिए, इस बार एल्ट शिफ्ट कंट्रोल वी याद रखिएगा, एल्ट शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, एल्ट शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, मतलब जो आपके तीनों बटन है जो हम शॉर्टकट्स में यूज लेते हैं उसके साथ वी और दबाना, पेस्ट की जो सिंपल की होती है वी, यहाँ पर लाइए राउंड सर्किल पर जाइए और यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल एल शिफ्ट प्लस वी, जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह से आपके सामने इमेज आ चुकी है। और अब जो आप इसको साइज रिसाइज इस तरह से आपको करना है, ये देखिए सॉरी जो है प्रॉब्लम आई थी क्योंकि इमेज काफ़ी बड़ी है, इस बार कंट्रोल टी कर दीजिए और इस तरह से आप इसको साइज रिसाइज दे दीजिए। मान लीजिए मैं इस तरह से इसको छोटा कर देता हूँ और जो है अच्छे से अच्छे इसको लगाने की कोशिश करता हूँ आपके सामने, ताकि अच्छी लग रही है। देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं इतना आपको करके बताता हूँ। और आप चाहे तो देखिए इसको जैसे क्लिक करके एंटर आप प्रेस करोगे, तो इस तरह से जब आप नंबर कीज का जब यूज करोगे तो इस तरह से आप इसे हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए
7, 8, 9 इस तरह से 1 पर क्लिक करते हैं, देखिए बहुत ज्यादा हाइट होगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे कि मैंने पिछले बेसिक जो अध्याय चला था हमारा जो टूल के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था, इरेज टूल में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो इस तरह से आप इसे रिमूव कर सकते हैं और इस तरह से काफी डिजाइन बेहतर डिजाइनिंग आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे आप मास्क पर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज देखोगे तो ब्लैक है, मान लीजिए यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज व्हाइट करते हो तो ये देखिए इस तरह से आप इसकी प्रॉपर्टीज व्हाइट करते हो तो ये देखिए थोड़ी फोर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट है, हम इसको फोर बैकग्राउंड कलर वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ से जैसे फोर बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, ये देखिए व्हाइट, यहाँ से भी आप इसकी मास्क को जो है चेंज कर सकते हैं। और कंट्रोल एल जेड प्रेस करके एक बार पीछे चलते हैं अपने उसी टूल्स पर, यहाँ पर देखिए। अब थोड़ा सा यूज में आपको ये बता दूँ कि यार अब बॉडी का पार्ट जो है कट हो जाए एक्स्ट्रा, तो उसको कैसे इससे रिमूव किया जा सकता है, तो इससे रिमूव किया जा सकता है कि कैसे, मान लीजिए अब आपको इसको करना है तो यहाँ पर सिंपली क्या करना होगा, ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लीजिए फोर बैकग्राउंड के लिए, या फिर यहाँ पर जो ये निशान दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए तो जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो फोर बैकग्राउंड में आ जाएगा, फोर बैकग्राउंड कलर जो बैकग्राउंड में चला जाएगा इस तरह से, देखिए तो ब्लैक हो गया जो फोर बैकग्राउंड कलर में, या फिर यहाँ से ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लीजिए। अब क्या करना होगा, सिंपली आपको जो हम टूल सिलेक्ट कर रहे थे यहाँ पर आना है और कोई ब्रश टूल ले लीजिए, मान लीजिए ये रहा ब्रश टूल हम ले लेते हैं और अब इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे, सॉरी जो मास्क था वो ब्लैक कलर में सिलेक्ट था, तो इस तरह से यहाँ पर ब्लैक कलर तो दिखाई दे रहा है, इसको कंट्रोल एल जेड कर देते हैं। एक बार फिर से मैं पीछे चलता हूँ, उसके बाद में आपको बताता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर एक बार फिर से पिंक करते हैं और यहाँ से देखिए, यहाँ से पिंक मैंने जैसे किया, मान लीजिए ये वाला एक्स्ट्रा हो गया, अब क्या करें, अब यहाँ से इसे यहाँ पर क्लिक करना है और ब्लैक कलर लेना है, ब्लैक कलर लेते हैं क्या होगा, सॉरी ये ब्लैक कलर ले जा रहा है, थोड़ी सी इसकी कोई सेटिंग्स में मिस्टेक्स हो रही है, तो एक बार मैं इसे देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो मैंने कलर सिलेक्ट किया था वो ब्लैक पर, सॉरी वाइट पर नहीं था, इसलिए इस तरह से दिखा रहा था। और यहाँ पर देखिए, अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए पिंक को रिमूव करता हुआ चल रहा है, यहाँ से थोड़ी सी सेटिंग मैंने खराब कर दी थी इसलिए थोड़ा सा हो चुका था। तो यहाँ से देखिए, जैसे क्योंकि यहाँ पर आप फोर बैकग्राउंड कलर में वाइट है तो इस तरह से देखिए रिमूव होता जा रहा है, ये देखिए रिमूव होता जा रहा है। तो आपको जरूरी नहीं कि जो पहले स्टेप की थी उसी पर जाना है, जहाँ से ज़्यादा हो गया मान लीजिए यहाँ से फिर से ब्लैक करते हैं और यहाँ पर देखिए थोड़ा पेंट ज़्यादा हो गया, अब इसे रिमूव करना है, क्या करना होगा, यहाँ पर आप वायर सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से और अब जो इसको रिमूव कर दीजिए इस तरह से, देखिए हो रहा है रिमूव इस तरह से। काफ़ी जो ग्राफिक्स डिजाइन है उसमें काम आएगा, आपको ये मत सोचिए कि यार बैकग्राउंड चेंज तो इससे क्लियरली नहीं हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा क्लियरली होता है। और ये मान लीजिए आपकी जो ग्राफिक्स डिजाइन है, वेडिंग कार्ड है, या फिर जो हमारे लोग देवता गणेश जी वगैरह है उनकी इमेजेज में ऐसे इफेक्ट डाले जाते हैं इसी टूल्स की सहायता से, वो बहुत ज़्यादा वो काम में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। बेसिक सीरीज अभी काफ़ी चलने वाली है, ये मत समझिए कि टूल्स खत्म हो गए तो बेसिक सीरीज जल्दी खत्म हो जाएगी, अभी कम से कम भी आपकी बेसिक सीरीज कुल जो टोटल बेसिक सीरीज है वो चलेगी 65 या 60 की समथिंग में चलेगी, 60 चलेगी कम से कम। और जो 60 बेसिक सीरीज है तो अभी हमारी हो गई है 22 हो चुकी है, लगभग 23 भी जो ये सीरीज चल रही है, तो 60 जो बेसिक सीरीज चलेगी, उसके बाद में जो 26 सीरीज है वो एडवांस की चलेगी, उसके बाद फोटोशॉप में कुछ भी नहीं बचेगा, यदि कुछ बचेगा तो आप कमेंट डालिए मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए गुड बाय, बाय बाय दोस्तों।